श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, बंगाल के ही और राजा राम मोहन राय पुस्तकालय के कर्ता श्री रंजन गुप्त जी, हमारे सांस्कृतिक सचिव राघवेंद्र सिंह जी, श्रीमती निरुपमा जी, श्रीमती साराबाई और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों और विशेषकर जो आज यहाँ से एक संदेश लेकर बंगाल के लगभग 900 किलोमीटर तक जाने वाले मेरे युवा साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये कार्यक्रम एक हॉल में हो रहा है और कार्यक्रम की दृष्टि से इसका इवैल्यूएशन संख्या से नहीं किया जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि ये कार्यक्रम ये पूरी श्रृंखला की एक कड़ी है जो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं सालगिरह उनकी मनाने के लिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का जो आयोजन हुआ है उसकी श्रृंखला की एक कड़ी है। मित्र, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। सुभाष बाबू को देश की जनता इतने साल के बाद भी, गणमान्य अतिथियों और विशेषकर जो आज यहां से एक संदेश लेकर बंगाल के लगभग 900 किलोमीटर तक जाने वाले मेरे युवा साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये कार्यक्रम एक हॉल में हो रहा है और कार्यक्रम की दृष्टि से इसका इवैल्यूएशन संख्या से नहीं किया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि ये कार्यक्रम ये पूरी श्रृंखला की एक कड़ी है जो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं सालगिरह उनकी मनाने के लिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का जो आयोजन हुआ है उसकी श्रृंखला की एक कड़ी है। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। सुभाष बाबू को देश की जनता इतने साल के बाद भी इतने ही प्यार और सम्मान से याद करती है जितना वो जीवित थे और संघर्ष करते थे तब याद करती है। बहुत प्रयास हुआ है कि सुभाष बाबू को भुला दिया जाए, परंतु उनका कर्तृत्व, उनकी देशभक्ति और उनका सर्वोच्च बलिदान शायद कोई कितना भी प्रयास करे पीढ़ियों तक भारतवासियों के जहन में जस का तस रहने वाला है। और इसीलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है जो कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि सुभाष बाबू का जीवन, इनका कवन और सुभाष बाबू के संस्कार जो देशभक्ति के हमें मिले हैं वो संस्कार को चीर काल तक न केवल भारत में रहने वाले भारतीय, दुनिया भर में जहां जहां भारतीय बसे हैं वो चीर काल तक याद करें और उसमें से प्रेरणा लेकर भारत को महान बनाने में अपना योगदान देते रहे। और मैं खास करकर देश भर की युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूं कि एक बार सुभाष बाबू के जीवन को आप अचूक पढ़िए, इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ऐसा मेधावी विद्यार्थी जो ICS की परीक्षा में टॉपर कर बाहर आया, उस वक्त पूरे देश के युवा लालायित होते थे ICS हो भी जाए तो बहुत बड़ी बात है, अंग्रेज सरकार की नौकरी मिलती थी। सुभाष बाबू ने अंग्रेज सरकार की नौकरी ठुकराकर
देश की आजादी के संग्राम के साथ जुड़ना तय किया, वहीं से उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने आईसीएस की परीक्षा क्यों दी होगी, क्योंकि बाल सुभाष के मन में ही देश भक्ति के रास्ते पर, देश की स्वतंत्रता के रास्ते पर जाने का तय होता, मगर ये मैसेज देने के लिए ही एक आईसीएस की परीक्षा दी होगी कि मैं आईसीएस होने के बावजूद भी अंग्रेजों की नौकरी नहीं करना चाहता, इस देश से अंग्रेजों ने अब जाना चाहिए। एक उत्तम प्रशासक थे, कलकत्ता के मेयर बने, कांग्रेस पार्टी के 2 बार अध्यक्ष बने और 1 बार तो गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध चुनाव लड़कर गांधी जी के प्रत्याशी को हराकर वो कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी लोकप्रियता का परिचायक और अदम्य उत्साह देश को कुछ भी कर आजादी देना, और इसमें से कोई चीज, कोई प्रयास, कोई रास्ता बाकी न छोड़ना। मित्रों कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसे साम्राज्य के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे जिसका सूर्योदय कभी समाप्ति नहीं होता था, जिनका दिन कभी अस्त नहीं होता था, इतने सारे देशों पर उनका साम्राज्य था और उसको चकमा देकर बंगाल से भागकर हजारों किलोमीटरों की यात्रा कर पैदल, गाड़ी में, सबमरीन में आजादी फौज की रचना तक और भारत की भूमि पर अपना तिरंगा फहराने तक ये उनका जो संघर्ष करता है कोई भारतीय ने कभी भूली नहीं थी। और इसीलिए भारत सरकार ने तय किया है कि 125वां उनका जो साल है उसको न केवल सुभाष बाबू, देश के लिए, देश की आजादी के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन लोगों ने अपना जीवन का बलिदान दिया, जिन जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, उस सभी को एक बार फिर से जनमानस के अंदर पुनर्जीवित करना और उसमें से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना। यह बहुत सारे युवा बैठे, अभी हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम में खुदीराम बासु की बात सुनी, इतनी कम आयु में हंसते हंसते वंदे मातरम बोलकर फांसी के फंदे पर चढ़ जाना कोई कम वीरता की बात नहीं। मित्रों हम लोगों के भाग्य में देश के लिए मरना नहीं मगर देश के लिए जीना ईश्वर ने हम पर छोड़ा है। मैं युवाओं को खास अपील करता हूं कि जिन्होंने देश के लिए अपनी जान का बलिदान दिया उसका स्मरण कर हम बाकी का जीवन देश के लिए जीना ये तय कर दे तो उनको बलिदान को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं। और इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम की रचना की जाती है कि युवा पीढ़ी इसको जाने, समझे, ये संस्कार को, देशभक्ति और बलिदान के संस्कार को स्वीकार करें। बलिदान का मतलब सिर्फ अपनी जान का बलिदान देना नहीं, बलिदान का मतलब देश के अस्तित्व में अपने व्यक्तित्व को घुला मिल देना, अपने व्यक्तित्व को बिगाड़ देना भी बलिदान होता है। देश के प्रगति के लिए, देश को महान बनाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देना भी बलिदान होता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी निजी व्यक्तिगत करियर को भी बलिदान करना वो भी बलिदान होगा। जब आजादी मिल गई हजारों लाखों बलिदानियों की बलिदान के आधार पर तब हम देश को कहां ले जाना चाहते, वो देश की युवा पीढ़ी ने तय करना पड़ेगा। सुभाष बाबू ने अगर करियर का सोचा होता तो आज हमारे सामने आजाद हिंद फौज का गौरवशाली इतिहास ही नहीं होता जिन्हें अंग्रेजों ने हिलाकर रख दिया। सुभाष बाबू ने अगर करियर का सोचा होता तो भारत के ऊपर राज करने वाले अंग्रेजी साम्राज्य को झंझोड़ कर किसी ने रख नहीं दिया। सुभाष बाबू ने अगर अपनी करियर का सोचा होता तो देश के करोड़ों युवाओं को 125 साल के बाद भी वो प्रेरणा स्रोत न मिला होता जिस प्रेरणा स्रोत के आधार पर आज करोड़ों युवा अपना जीवन को उस रास्ते पे ले जाने। मित्रों नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय किया है
सुभाष बाबू की 125वीं जयंती को मनाने का। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा निर्णय है और इस निर्णय से देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आज यहां से एक साइकिल यात्रा शुरू हो रही है, 3 टुकड़ियां जाएंगी। एक टुकड़ी का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस टुकड़ी, जो 270 किलोमीटर का सफर तय करकर नामी अनामी गुमनाम कई शहीदों के गांव में जाकर उनका महिमा मंडन करने का, उनकी याद को फिर से एक बार जीवित करने का प्रयास करेगा। दूसरी टुकड़ी रास बिहारी बोस टुकड़ी है, जो कार 400 किलोमीटर की यात्रा करेगी और सभी हमारे शहीद जो जिस गांव में से पैदा हुए थे वहां जाकर आगे बढ़ेंगे, और खुदीराम बोस टीम जाएगी जो 250 किलोमीटर की यात्रा करेगी। मित्रों, ये प्रयास जो युवा कर रहे हैं, मैं इनको आज समग्र देश की ओर से साधुवाद देना चाहता हूं कि आप जो यात्रा कर रहे हो एक भारत के पुनर्जागरण की यात्रा, क्योंकि जिस देश की युवा पीढ़ी आजादी के इतिहास को, जिस देश की युवा पीढ़ी अपने देश के इतिहास को समझती नहीं है, उसमें से धर्म के भाव को आत्मसात नहीं करती है, वो देश का भविष्य नहीं बना सकती। देश का भविष्य वही युवा पीढ़ी बना सकती है जो देश के इतिहास को समझती है। देश का भविष्य वही युवा पीढ़ी बना सकती है जो देश के इतिहास की सारगर्भिता को आत्मसात करती है। देश का भविष्य वही युवा पीढ़ी बना सकती है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनके प्रति दिल में सम्मान रखती है और उनके उद्देश्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने का जज्बा रखती। और आज जो युवा यहां से साइकिल लेकर निकलेंगे वो पूरे बंगाल के अंदर लगभग 900 किलोमीटर की यात्रा कर देश के बंगाल के युवाओं को जिस प्रकार से प्रेरित करने का काम करेंगे, मैं मानता हूं कि उनका यह पुरुषार्थ बहुत लंबे समय तक बंगाल को और भारत को बहुत कुछ देगा। आज हमारे इतिहास को हमने अपने नजरिए से भी देखने की जरूरत है, हमारे इतिहास को अपने नजरिए से समझने की भी जरूरत है। आज मैंने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया उसके निर्देशिका और सभी कलाकारों को मैं हृदय से बधाई। मैं बंगाली बहुत नहीं समझता, मगर उनके मुख के भाव समझा देते थे कि वो क्या कहना चाहते। मित्रों, इतनी सुंदर अभिव्यक्ति जो समय को भी जीवित कर देती है, जो भूतकाल को भी वर्तमान में परिवर्तित कर देती है और जो रोंगटे खड़े कर फिर से एक बार देशभक्ति के जज्बे को जागरूक करने के लिए मजबूर कर देती है, ऐसी अभिव्यक्ति बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रमों की श्रृंखला है सुभाष बाबू की 125वीं जयंती के एक साल तक चलेंगे, देश के युवा इस कार्यक्रमों की श्रृंखला के साथ जुड़े, देश भर के अंदर कार्यक्रम, और जब देश की आजादी के 75 साल होंगे तब मोदी जी ने तय किया है कि 75वां साल आने वाले और 75 साल तक के लक्ष्य तय कर हम आगे बढ़े, भारत को विश्व के अंदर सबसे महान बनाने की कवायद के साथ हम सब जुड़े। ये दो कार्यक्रम, ये दो वर्ष एक साथ आना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा संयोग। सुभाष बाबू का 125 साल मनाने का एक वर्ष और आजादी के 75 साल के एक वर्ष, ये हम दोनों वर्षों को भारत की युवा पीढ़ी ने ये दो साल अपने आप को इस सभी कार्यक्रमों के साथ जोड़ना चाहिए। सभी कार्यक्रमों के अंदर अपनी भागीदारी करनी चाहिए और सभी कार्यक्रमों को आने वाली पीढ़ियों को जिसमें से प्रेरणा ले इस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, मैं इतना ही कहता हूं कि जिन्होंने देश के लिए पूरा जीवन दे दिया है, युवा अवस्था में ही
अपनी जान का बलिदान दे दिया, बहुत सारे लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को सर्वस्व नौछावर कर दिया। इस देश में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनके पूरे परिवार का, मकान का, पूरी संपत्ति का 10-10 बार कुर्की हो गया, मगर वो परिवारों ने लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ा। कई ऐसे लोग हैं जिनको दो दो जन्मटी एक जीवन के अंदर हो गई, वीर सावरकर को एक ही जीवन के अंदर दो जन्मटी हो गई। इन लोगों के बलिदान के आधार पर आज भारत यहां तक पहुंचा है, मगर हमें संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। इन लोगों ने बलिदान सिर्फ आजादी के लिए नहीं दिया, इन लोगों ने बलिदान दिया था भारत माता फिर से एक बार विश्व गुरु के स्थान पर अपने दैदीप्यमान स्वरूप के साथ विराजित हो, इसके लिए बलिदान दिया था। और जब तक इसकी सिद्धि हम नहीं कर लेते, हमें चैन लेने का कोई अधिकार नहीं। और इसी बंगाल की भूमि से एक आर्षद्रष्टा, एक मनीषी ऋषि अरविंद ने एक भविष्यवाणी की थी, और उसी अरविंद की भविष्यवाणी को मैं ईश्वर के आशीर्वाद समझता हूँ, वो सच होने के लिए ही होती है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारत इतना आगे बढ़ेगा कि फिर से एक बार हम भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर देखा होगा। श्री अरविंद के शब्दों को सत्य में परिवर्तित करने के लिए हम लोगों ने हमारा बाकी का जीवन इस रास्ते पर देना चाहिए, ऐसा मेरा बहुत मानना है। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मरते मरते बलिदान करते वक्त शहीदों के मनस्थिति को देखकर एक कवि ने कहा था, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेरे, वतन पर मरने वालों का बस बाकी यही मिसाल होगा। मैं इससे आगे मेरे तो जरूर लगाने चाहिए, उनकी चिताओं पर हर साल मेरे लगाने चाहिए, मगर जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने शहीद की भी है, उस उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए मेरे के साथ साथ अपना जीवन भी लगा देना चाहिए। फिर से एक बार साइकिल लेकर निकलने वाले सभी युवाओं को बहुत बहुत अभिनंदन भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ, और सांस्कृतिक मंत्रालय को एक बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए, सभी कलाकारों को बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए मन से साधुवाद देना चाहता हूँ। वंदे मातरम।